हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सेकेंड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पैर जमा, कई सारे युद्ध लड़ना पड़ा उनको, तो वही हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने मैसूर वॉर के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, कि कैसे हैदर अली ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और उनको हराया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, हैदर अली डाइड, हैदर अली जो है वो उनकी मृत्यु हो गई, बट हिज सन, लेकिन जो उनके बेटे थे टीपू सुल्तान कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश से फाइट करते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार युद्ध करते रहे। द बैटल कंक्लूडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 व्हेन बोथ द पार्टी डिसाइडेड टू री स्टोर ईच अदर्स कॉन्कर्ड टेरिटरी एंड सेट द प्रिजनर्स फ्री। और बाद में बैटल के बाद ये कंक्लूड निकला, ये नतीजा निकला कि दोनों जो पार्टी है एक ट्रीटी पे साइन किए, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए मैंगलोर के 1784 में। व्हेन बोथ द पार्टी डिसाइडेड टू री स्टोर ईच अदर्स कॉन्कर्ड टेरिटरी टू से एंड सेट द प्रिजनर फ्री, दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और ये बातें लिखी हुई थी कि दोनों पार्टी जो है एक दूसरे की जीती हुई क्षेत्रों को छोड़ देंगी, जो जीता है जो उसी को छोड़ देंगी, और सेट द प्रिजनर फ्री, और जो एक दूसरे के कैदी है उनके जेलों में उनको भी आजाद किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, जैसा मैंने बताया था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ। अब वो क्यों हुआ वो देखते हैं। 1792 हुआ था, दो साल चला था। टीपू सुल्तान इन्वेडेड ट्रेवनकोर विच वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था ट्रेवनकोर, एक जगह थी उस पर जो कि ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में थी, ब्रिटिश वहां की रक्षा करते थे। दे वेयर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू क्रश टीपूस पावर, और अंग्रेज जो थे वो तो पहले से ही एक मौका खोज रहे थे, एक्सक्यूज खोज रहे थे, बहाना खोज रहे थे कि कैसे वो टीपू सुल्तान की जो शक्ति है उसे क्रश कर सके, उसे खत्म कर सके। हेंस अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन द टू, और इसके बाद दोनों में युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसे हम लोग थर्ड एंग्लो वॉर के नाम से जानते हैं। टीपू अलायंस विद द फ्रेंच डिड नॉट हेल्प एज फ्रेंच वॉज बिजी इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, टीपू ने जो अपना अलायंस अपना गठबंधन बनाया था वो फ्रांस के लोगों यानी फ्रेंच के साथ बनाया था, लेकिन फ्रेंच उनकी मदद नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो थे उस समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी में वो बिजी थे, इसीलिए वो भारत की वो टीपू सुल्तान की मदद नहीं कर सके। द ब्रिटिश लेड सीज ऑन श्रीरंगपट्टनम, जो ब्रिटिश थे उन्होंने श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी इनकी उस पर कब्जा कर लिया। तो उनके घर में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी, फ्रेंच की क्रांति हो रही थी, वो उसमें बिजी थे तो वो नहीं मदद कर पाए। द ब्रिटिश फिर श्रीरंगपट्टनम को उन्होंने कब्जा कर लिया। टीपू वाज फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792, और टीपू सुल्तान को फोर्स किया गया उनको हरा के कि आपको एक ट्रीटी पे साइन करना होगा श्रीरंगपट्टनम के। अब उसमें क्या लिखा हुआ था, मैसूर हैड टू हैंड ओवर हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश अलोंग विद टीपू टू सन एज वॉर होस्टेज, और इसके बाद जो मैसूर का आधा जो क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा, और विथ टीपू टू सन अ वॉर होस्टेज, और वो लोग टीपू सुल्तान के दो बेटों को भी बंदी बनाकर यानी युद्ध में बंदी बनाकर अपने साथ रख लिए। इसके बाद भी नहीं माने, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ जो 1799 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798, जो 1798 में है, जो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। टीपू सुल्तान नॉन एज टाइगर ऑफ मैसूर, देखिए जीके में भी आता है कि भारत मैसूर का शेर किसे कहते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर, तो वो टीपू सुल्तान है, काफी उस समय फेमस थे, ये बहादुर माने जाते थे, इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। ट्राई टू साइन एन अलायंस विद द फ्रेंच बट द फ्रेंच सपोर्ट डिड नॉट अराइव इन टाइम, उन्होंने एक अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया फ्रेंच के साथ, लेकिन जो फ्रेंच सपोर्ट है वो समय पर नहीं आ पाया। लॉर्ड वेलेस्ली अटैक्ड एंड द वॉर एंडेड विद टीपूस डेथ, और अंततः लॉर्ड वेलेस्ली ने अटैक किया मैसूर पे और टीपू सुल्तान की मौत के बाद यह युद्ध खत्म हो गया, यानी टीपू सुल्तान भी अब नहीं रहे, ठीक है। तो अभी भी जो अंग्रेज थे वो पूरे भारत पे अपना शासन नहीं किए हुए थे, अभी भी उनके पास सिर्फ बंगाल था और मैसूर था, यही दो तीन राज्य थे, लेकिन उन्हें मराठा से भी युद्ध करना पड़ा क्योंकि वो अपना ट्रेटी और बनाना चाहते थे, शक्ति बढ़ाना चाहते थे। तो हुआ एंग्लो मराठा वॉर जिनमें मराठे लड़े थे। द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द मराठा एंड द ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश सॉ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड मराठा ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1775 एंड 1818। मराठा के बीच में आंतरिक प्रॉब्लम थी, उनमें एकजुटता नहीं थी, लोग आपस में ही लड़ते थे, बैर करते थे, और जो अंग्रेज थे उनका एम्बिशन, उनकी इच्छा बहुत ज्यादा थी, वो चाहते थे कि वो पूरे भारत पर राज करें। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जो
1875 और 1818 के बीच, इनके बीच विवाद रहा, काफी युद्ध हुए इनके बीच। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार देखते हैं जो कि 1775 से 82 तक चला था, यानी कि लगभग 7 साल। ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विथ एस्पायरिंग पेशवा, जो ब्रिटिश थे उस समय के जो पेशवा होते थे, मराठा के जो सरदार होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था, पेशवा बाजीराव रघुनाथ राव अगेंस्ट माधव राव सेकेंड। द मराठा चीफ ट्रेन बैक माधव राव, द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 मेन टू रघुनाथ, जो रघुनाथ राव थे उन्होंने माधव राव सेकेंड के खिलाफ एक अलायंस कर लिया ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर यही चाहते थे, वो आपस में फूट करते थे, आपस में लड़वाते थे और बाद में वो लोग फायदा उठाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने 2500 अपने आदमियों को रघुनाथ को दिया ही युद्ध करने के लिए। ही गेव सेलसेट एंड बेसिन टू द इंग्लिश अलोंग विद अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम बरोच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट। और इसे क्या हुआ, रघुनाथ जो थे वो जीत गए, लेकिन उन्हें सेलसेट और बेसिन इंग्लिश को देना, अंग्रेजों को देना पड़ा, और साथ ही साथ बरोच और सूरत जिले में जो रिवेन्यू सिस्टम था, जो टैक्स का अधिकार था, वो भी अंग्रेजों को दे दिया गया कि टैक्स आप ही वसूलिए। द टू साइड साइन द ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, और दोनों के बीच फिर एक ट्रीटी पे साइन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ सालबाई 1782 में। इट गेव द ब्रिटिश 20 ईयर ऑफ पीस विद द मराठा, और इसमें ये बातें लिखी गई कि ब्रिटिश के साथ 20 सालों तक शांति बनाए रखी जाएगी, 20 साल तक कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी हो गया। इन 1801 देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमोंग द मराठा एंड पेशवा। 1801 में जो मराठा जो थे वो पेशवा पे भारी पड़ गए। पेशवा बाजीराव सेकेंड इंटर द सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश एंड गोट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन अगेंस्ट जसवनाथ राव होलकर, और जो उस समय के पेशवा थे बाजीराव सेकेंड, उन्होंने अंग्रेजों की मदद ली, उनसे अलायंस बनाया, और फिर बाद में उन्होंने जसवंत राय होलकर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। द ब्रिटिश ट्रूप ड्रो होलकर आउट, जो ब्रिटिश ट्रूप थे, ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने होलकर को वहां से बाहर भेज दिया। पेशवा बाजीराव साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश, और पेशवा बाजीराव जो थे उन्होंने ब्रिटिशर के साथ एक ट्रीटी साइन की, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन की। इसमें लिखा था इट वॉज अपोज बाई मराठा चीफ मैन द सिंधिया एंड द भोसले, लेकिन इसका विरोध हुआ, जो मराठा के उस समय मेन होते थे द सिंधिया एंड द भोसले, उन्होंने इसे मना किया कि नहीं, ये ट्रीटी हमारे अंडर में हमारे लायक नहीं है, हम ये साइन नहीं करेंगे। दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया। द मराठा चीफ्स फेल टू यूनिफाई द वेर डिफीटेड बाय द वेल इक्विप्ड एंड डिसिप्लिन ब्रिटिश आर्मी, और जो मराठा चीफ थे वो अपने को एकजुट करने में असफल हुए, और जो ब्रिटिश थे वो वेल इक्विप्ड बोले तो उनके पास गन अच्छी थी, माने वेल डिसिप्लिन थे, अनुशासित थे, उनसे उनको हार का सामना करना पड़ा मराठों को। द भोसले एंड सिंधिया वेयर फोर्स टू साइन ट्रीटीज एंड ब्रिटिश एंड हैंड ओवर लार्ज टेरिटरी, अब भोसले और सिंधिया को फोर्स किया गया कि अब आप हार गए हैं, अब आपको ट्रीटी पे साइन करना होगा, उनसे करवाया गया और उनका जो एक बड़ा भूभाग था, बड़ा क्षेत्र था, वो ब्रिटिशर को सौंपना पड़ा, और ब्रिटिशर जो थे वो मराठों पे भी कब्जा कर लिए थे। लेकिन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ जो कि 1870-18 चला। इसमें क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव सेकेंड डिड नॉट लाइक हिज सब ऑर्डिनेट पोजिशन अंडर द ब्रिटिश। पेशवा बाजीराव जो थे उन्होंने ही पहले अंग्रेजों को अप्रोच किया था कि मेरी मदद कीजिए, और बाद में जब अंग्रेज ने मदद की जीत गए, उन्हीं को साइड कर दिया, इससे बाजीराव जो थे वो पसंद नहीं आ रहा था उनको कि हम ही मेरे ही राष्ट्र में हम ही को अलग किए हुए और ब्रिटिश जो है सारा पोजीशन अपने अंडर में लिए हुए हैं। उनको बस पेंशन दे के उनको कहा जाता था आप महल में रहिए, हम सारा संभालेंगे। ही ट्राइड टू यूनाइट द मराठा चीफ अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फेल्ड, उन्होंने कोशिश की कि मराठों को एक किया जाए, यूनाइट किया जाए, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि खुद उन्होंने ही जैसी करनी वैसी भरनी का आपने नाम सुना है, पहले तो वो लोग अंग्रेज से हाथ मिलाए और बाद में अंग्रेज से ही वो परेशान हो गए। ही सरेंडर्ड, बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। द ब्रिटिश एबोलिश द पोजिशन ऑफ पेशवा, और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा का पोजिशन ही हटा दिया, बोल दिया कि अब पेशवा कोई नहीं रहेगा, अब सिर्फ ब्रिटिश ही रहेंगे। एंड मराठा वे आर लिमिटेड टू द स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा, और मराठों को बस एक छोटा सा जिला दे दिया गया कि लो अब यही तुम्हारा राज्य। कहां मराठा पहले पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल किया करते थे, अब उन्हें सिर्फ एक छोटा सा जिला सतारा दे दिया गया कि आप सिर्फ यही पे रूल करोगे। दिस वाज द एंड ऑफ द माइटी मराठा पावर, और यह जो था शक्तिशाली मराठा पावर का एंड साबित हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजों के हम लोग देखे कैसे मैसूर वॉर हुआ और एंग्लो मराठा वॉर हुआ।
फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।